रीमा वाजपेयी, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और खबर है श्रावस्ती से, जहां पर राप्ती के कचार में अनोखे अंदाज में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। 75वीं वर्षगांठ मनाने का एक अनोखा अंदाज सामने आया है। ग्रामीणों ने अलग तरीके से आजादी के इस अमृत महोत्सव को मनाया है। 15 अगस्त पर राप्ती नदी की गोद में फहराया गया तिरंगा। ककरा घाट पर पुल निर्माण की मांग को लेकर एकत्रित हुए ग्रामीण। इकोना इलाके के मलौना खसियारी गाँव के राप्ती नदी का ये पूरा मामला बताया जाता है। तो फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर राप्ती के कछार में अनोखे अंदाज में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। तो अनोखे अंदाज में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। 75वीं वर्षगांठ मनाने का एक अनोखा अंदाज सामने आया है। फिलहाल यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। ककराघाट पर पुल निर्माण की मांग को लेकर ग्रामीण एकत्रित हो गए हैं और इकोना इलाके के मलौना खसियारी गांव में राप्ती नदी का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। और ये तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। श्रावस्ती से खबर है, राप्ती के कछार में अनोखे अंदाज में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। 75वीं वर्षगांठ मनाने का अनोखा अंदाज सामने आया है। तो फिलहाल यह अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर ग्रामीणों ने अलग तरीके से मनाया है आजादी का अमृत महोत्सव। तो एक अलग अंदाज में आजादी का यह अमृत महोत्सव, नदी की गोद में तिरंगा फहराया गया है। 15 अगस्त पर राप्ती नदी की गोद में फहराया गया है तिरंगा। फिलहाल यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। दरअसल जी, आज नए नाव का जलावतरण होना था, एक तरीके से प्रेजेंटेशन है 15 अगस्त पर, और अमृत महोत्सव भी मनाया जाना है, हर घर तिरंगा। आप लोगों ने राप्ती नदी के सीने पे जाके ध्वजारोहण किया है, झंडा लगाया है और नारेबाजी की है। यहाँ पर लगातार आप लोगों पुल की मांग कर रहे हैं, इस पर क्या हो रहा है? कोई प्रगति नहीं है। 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है, फिर भी आज हम जो है नाव से ही उतर रहे हैं। विधायक जी को याद दिलाने के लिए, क्योंकि उन्होंने हमारे ग्राम सभा मलौना खसियारी मंदिर में वादा किया था कि इस 5 वर्ष के अंदर ही ये पुल बनवा के दूंगा, इसलिए वो सो रहे हैं, तो उनको हम लोग याद दिला रहे हैं। ककरा घाट बनवाने का कितने दिन पहले वादा किया था? इलेक्शन के पहले पिछले इलेक्शन नहीं, इस इलेक्शन 2022 में 2022 वाले चुनाव।